हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज का वीडियो आपको टाइटल से पता चल ही रहा है कि क्या है। मंथली गिव अवे जो मैं हर मंथ अपने चैनल पर करती हूँ। गाइस, वैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, फिर भी मैंने सोचा क्यों ना गिव अवे किया जाए, क्योंकि काफ़ी गर्ल्स मेरे चैनल पर एक्टिव रहती है, इसलिए गिव अवे तो कैंसिल हो ही नहीं सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, मेरे चैनल पर हर मंथ गिव अवे होता है और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के रूल्स बिल्कुल सिंपल है। अगर आप भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्टाइल विद एनी से मेरा एक और चैनल है, उसे भी आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही मेरी एक वेबसाइट है, तो वहाँ पर भी विजिट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, इस मंथ की गिव अवे विनर में मैंने टू गर्ल्स को चूज़ किया है। आई होप यू गाइस आप मेरे डिसीजन से हैप्पी होंगे, बट मैं यही कहना चाहूँगी जिसका नंबर नहीं आया प्लीज़ उदास मत होना, क्योंकि ये लॉकडाउन की स्थिति हो गई। वरना मैंने सोचा था जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, जितनी भी वो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, सबको मैं गिफ्ट दूंगी। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलते ही मैं सबको गिफ्ट दूंगी, इसलिए उदास मत होना जिसका नंबर नहीं आया, क्योंकि काफ़ी मेरे पास कमेंट टाइम से चैनल पर एक्टिव थे बट हमारा नंबर नहीं आया। तो जिसका नंबर नहीं आया प्लीज़ उदास मत होना, जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो जाएगा सभी को मैं गिफ्ट सेंड करूँगी। तो इस मंथ की गिव अवे विनर है मंजू मंजू, उनके लिए मैंने ये गिफ्ट चूज़ किए हैं। एंड गाइस, सेकंड जो सब्सक्राइबर है वो है सुप्रिया, उनके लिए मैंने ये गिफ्ट चूज़ किए हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ा लॉकडाउन था इसलिए मैंने ज़्यादा गिफ्ट ऐड नहीं किए, क्योंकि मेरे पास अभी इतना कुछ था नहीं। वैसे मैंने सोचा था इस मंथ का गिव अवे मैं कैंसिल कर देती हूँ, इसका नंबर नहीं आया, प्लीज़ उदास होने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।